राष्ट्रिय धर्म सभा नेपालको आयोजनामा द्वितीय राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलन सञ्चालन भएको छ। मारवाडी सेवा समिति न्यूरोड काठमाडौँमा सञ्चालित दुई दिने कार्यक्रममा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको महत्त्व तथा उपयोगितालाई कसरी समाजमा प्रस्तुत गर्ने, कसरी यसको विज्ञानलाई सबैमाझ स्पष्ट पार्ने तथा कसरी कर्मकाण्डलाई शास्त्र निर्देशित ढङ्गले मौलिकतालाई जोगाउँदै वर्तमान समयअनुसार परिमार्जित गर्ने भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। भारतबाट पालु भएका अतिथि जोडहरू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव भारत सुवेदीज्यू, संहिता शास्त्रीय अर्जुन वास्तवज्यू, ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष गौराज पौडेलज्यू उपस्थित जिल्ला जिल्लाहरूबाट आफ्नो अमूल्य समय खर्च गरेर यस्तो बर्खाको बेलामा पनि प्रभाव नगरिकन धर्मसभा नेपालको आयोजनामा सञ्चालन हुन लागेको पण्डित सम्मेलनलाई सफलता बनाइदिनको लागि पालन हुने सम्पूर्ण पण्डितजीहरू, सम्पूर्ण पुरोहितजीहरूलाई म हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। Thank you.
सम्मेलनमा देश तथा विदेशका ज्योतिष तथा पण्डितहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रमका सभापतिजीहरू, भारतबाट पाल्नुभएका विद्वान पण्डितजीहरू, कार्यपत्र प्रस्तोताजीहरू, उपस्थित पण्डित महानुभावहरू, सर्वप्रथम राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालद्वारा आयोजना गर्न लागिएको द्वितीय राष्ट्रिय पण्डित सम्मेलनमा मलाई निमन्त्रणा गरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना समेत व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवजीले पनि आफै उपस्थित भई भागी आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने इच्छा गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्यको कारणले श्रीमान सचिवजीले यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्नु भएन, तसर्थ श्रीमान सचिवज्यूको आदेशअनुसार उहाँको तर्फबाट समेत यो कार्यक्रमको सफलताको लागि सचिवज्यूको तर्फबाट समेत शुभकामना व्यक्त गर्नु। धर्म र संस्कृतिको संरक्षण मूलत संस्कृति धर्मको सिर्जना गर्ने मान्छेहरू अभ्यासकर्ताहरूबाट नै हुनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई शास्त्र सम्मत विधि परम्परा सम्मत र त्यसको संरक्षण सम्वर्धन र समयानुकूल परिमार्जन गरी समाजमा त्यसको व्यवहारिक उपयोग गर्ने गराउने दायित्व समाजका विद्वान पण्डितहरूको समेत हुन्छ। यस पण्डित सम्मेलनमा धर्म र ज्योतिषको समाजसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि विशेष कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ। धर्मका समाजके साथ कैसा सम्बन्ध है और कैसा रहना चाहिए? ज्योतिष और समाज का बहुत पूर्वकालीन समाज और धर्म, ये तीनों का बहुत पूर्वकालीन संबंध है। जब यूरोप और अरब देशों में कोई संस्कृति पनप नहीं रही थी, तब लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कालगणना के स्वरूप एक ज्योतिष का पहले निर्माण किया था। चंद्र का परिवलन कितना होता है, उसकी गति कितनी है, सूर्य का परिवलन कितना होता है, कौन सा ग्रह है, तो ये जो एक संशोधन है ऋषियों का, वो शायद अभी भी इतना सुविधा और सामग्री निर्माण करने के बाद भी भौतिक विज्ञान जान नहीं पाया है, जो ऋषियों ने अपने तपश्चर्या के बल पर किया था। और दूसरी बात है कि व्यक्ति के जन्म के साथ जब ज्योतिष की कोई कुंडली या उसका एक ज्योतिष देखा जाता है, तो धर्म के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में जब कोई काल में उसके पूर्व कर्म के अनुसार जब कोई आपत्ति या विशेष घटना होती है, तो उसका एक संदर्भ ये ग्रह के भ्रमण के कालानुरूप व्यक्ति के जीवन में धरो गया है। तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो, कौन सा कालखंड में उसको तपश्चर्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, कौन से कालखंड में उस पर आपत्तियाँ आने वाली है, उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और एक राष्ट्रीय जीवन एक धर्मसम्मत और आदर्श हो, इस दृष्टि से ज्योतिष मनुष्य को मार्गदर्शन करता है। और ज्योतिष के तत्व एक धर्मसम्मत तत्व होने के कारण समाज में धर्म व्यवस्था जागृत रहती है, अधर्म का नाश होता है,
और एक उत्तम समझ व्यवस्था के कारण एक उत्तम समाज और राष्ट्र की निर्मिति होती है। जी, जैसे कि अभी पंडित लोग कर्मकांड धर्म का वो मंत्र उच्चारण करते हैं, कि वाकई में इससे कुछ लाभ मिलता है या अभी ये इसका कमी होने का कारण क्या? गायत्री मंत्र या विभिन्न मंत्रों पर अध्ययन हो रहा है तो उसमें स्पष्टता से पता चला है कि इस मंत्रों से निकलने वाली जो लहरें हैं वो मनुष्य मात्र पे नहीं तो प्राणी मात्र पे और वनस्पति सृष्टि पर भी प्रभाव करती है, और उनमें की जो एक नकारात्मकता होती है वो नकारात्मकता नष्ट होकर एक पॉजिटिविटी आती है, और वही है कि हम समाज को एक पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। तो मॉडर्न मशीन और मॉडर्न साइंस ने जो मंत्रों पर अध्ययन किया है तो अब वो सिद्ध कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अभी इस थेरेपी का विचार हो रहा है, और जर्मन जैसे अनेक देशों में कैंसर जैसे पेशेंट में जब वेदना के लिए वो अन्य कोई दवाई लेके वो वेदना से मुक्त नहीं हो पाता है तो हमारे मंत्रोच्चार के जब कैसेट लगाए जाते हैं तो ऐसा अनुभव हुआ है कि इन मंत्रों से निकलने वाली स्पंदनों के कारण व्यक्ति का मन शांत हुआ है, दर्द कम हुआ है और उसको लाभ हुआ है। जब आप एक प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई इस मंत्रों का वर्तमान में क्यों नहीं प्रभाव दिखता है, तो वो बात एक मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि समझो आपका एक बैंक में अकाउंट है और ढेर सारे पैसे हैं, तब उसको जब आप साइन करोगे तो वो चेक इनकैश हो सकता है। मगर कोई व्यक्ति है कि जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, पैसा भी नहीं है और वो खाली चेक साइन करके दे तो बाउंस हो जाता है। तो मंत्र शक्ति को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साधना करना चाहिए। साधना करना यानी हमारा जो साधना का बल निर्माण होता है वो ईश्वर के चरणों में एक बैंक अकाउंट के जैसा होता है, और उसके बाद जब हम उस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति आ सकती है। तो साधना ना करना, साधना का क्षात्र तेज और ब्राह्म तेज जागृत ना होना, संकल्प शक्ति जागृत होने तक के साधना का प्रवास ना होना, यह कारण है कि मंत्र के शक्ति का उपयोग समाज में नहीं दिख रहा है करके सब पंडित और पुरोहितों को मैं विनती करना चाहूँगा कि जो भी आप धार्मिक विधि या कर्मकांड करते हो तो वो कर्मकांड करना यह एक आपका कर्तव्य ज़रूर है, मगर उसकी फलश्रुति जो कर्मकांड में बताई है, जो वेदों में और धर्मों में बताई है, उसकी अगर फलश्रुति आप लेना चाहते हो तो आपको व्यक्तिगत जीवन में साधना करना पड़ेगा ताकि आपके मंत्र के स्पंदनों का परिणाम होके उस व्यक्ति को धर्म की, ईश्वर की अनुभूति आए, और उसी के साथ वो अपने यजमानों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पीढ़ियों को भी एक साधना की दिशा देकर, दोनों की, यजमान और पुरोहित दोनों की अगर साधना हो तो उस कर्मकांड की फलश्रुति 100% हो सकती है कलयुग की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से मैं आह्वान करूँगा कि हिंदू धर्मीय भी नहीं कि जो भी अपने जीवन में आनंद लाना चाहते हैं तो वो साधना करे, और साधना करके साधना के बल पर इस कर्मकांड विधियों का योग्य तरीके से करके अपने जीवन को लाभ दे और समस्त मानव और सृष्टि को उत्थान करे। आजको बढ्दो आधुनिकता सँगै वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममाथि परेको दुष्प्रभावका कारणहरू तथा निवारणका उपायका सम्बन्धमा पनि विशेष छलफल भएको छ। अहिले बजारमा तपाईँले विभिन्न किसिमका धारणाहरू आएका छन् हाम्रो धार्मिक नीतिमा, यो धार्मिक नीतिको खान्छिनो खानुपर्ने पाएको तपाईँहरूकै हो। तपाईँहरूले निर्णय गर्दा अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले मुलुकको वास्तविकतासँग मेल खाने गरी यो निर्माण खाल्नदेखि निर्णयमा फुकिनुहोस्। किनभने तपाईँहरू जतिको योग्य, तपाईँहरू जतिको देखिने यो मुलुकको लागि भागीरेखा गर्न सक्ने क्षमता अरूमा मैले देखेको छुइनँ। यस अर्थमा तपाईँले यो नीति निर्माण गर्दा यसलाई कस्तो भएर गरिदिनुहोस् र जे कुरा यहाँ बोल्नुहुन्छ, जे कुरा यहाँ निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यही कुरा कार्यान्वयन गर्नको लागि यो हलबाट मात्रै होइन राष्ट्र रमाइन
आज भोलि सनातन हिन्दू धर्म प्रतिको मानवको गलत अड्कल तथा यसलाई जथाभावी ढङ्गले आफ्नो समय तथा सुविधा अनुसार नसुहाउँदो तथा शास्त्रीय मान्यता विपरीत रहेर परिमार्जित गर्दै कता कता कर्मकाण्डहरू भएको भन्दै संस्कारहरूमाथि भइरहेका विकृतिहरूलाई रोक्न यस्तो प्रकारको सम्मेलन गरिएको हो। शास्त्र उल्लेखित शास्त्र निर्देशित संस्कारहरू विज्ञान सम्मत रहेकोले यसलाई कुनै पनि ढङ्गले आफ्नो चाहना अनुरूप परिवर्तन गर्न नहुने जानकारीहरू कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनु भएको छ। कर्मकाण्ड गर्ने पुरोहित कस्तो हुनुपर्छ तथा कर्मकाण्ड कसरी आजको युगमा प्रभावकारी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भएको छ। समाज के लिए पंडित लोग की भूमिका कैसी है और कैसी होना चाहिए? हाँ, देखिए, पंडित को विद्वान का स्वरूप माना गया है और हमारे देश में जिसे गुरु पर पूरी तरह से विश्वास होता है उसी तरह से पंडित पर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है और ज्ञानी का मार्गदर्शन सब लोग करते हैं। तो अगर मान लीजिए समाज में किसी तरह की कोई कुरीति है, अगर कोई दूसरा आदमी उसको समझाएगा, एक बिजनेसमैन समझाएगा, एक डॉक्टर समझाएगा या इंजीनियर समझाएगा, उसको कोई नहीं समझेगा। लेकिन जो धर्म को मानने वाला, धर्म की प्रतिष्ठा कौन स्थापित करता है? पंडित। और पंडित क्या है? ज्ञान का भंडार होता है। पंडित चाहे तो पूरी सृष्टि में बहुत सारे परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति जो है प्रबल होनी चाहिए। और चूंकि आत्मबल प्रबल होगा तो जितने भी जो लोग भटके हुए, जो भ्रमित हैं, उन लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं। उन कुरीतियों को अगर समाप्त करना है तो सबसे पहले पंडितों को तैयार होना पड़ेगा, उन कुरीतियों का पता लगा करके और अपने ज्ञान बल से उन लोगों को एक मैसेज देना पड़ेगा, उन लोगों के मस्तिष्क में एक ज्ञान भरना पड़ेगा कि आप इन सबसे दूर होइए कुरीतियों से और अपने ध्यान अवस्था में आकर के अपने अंदर जो गुण है, पंडित आपके गुण को शायद आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक पंडित और ज्ञानी ने आपके गुणों को जानता है, उन गुणों को वो बाहर लाता है और उस गुणों को बाहर लाने से आपके अंदर एक सच्चरित्र का निर्माण होता है। और जब आपके अंदर सच्चरित्र का निर्माण होगा तो आपके अंदर एक अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अच्छे अच्छे विचार आने से क्या है, लेकिन उसमें सबसे विशेष बात यह है कि वो अपना स्वार्थ नहीं सोचे, श्रेय और श्रेष्ठता। अगर मैं इन शब्दों के पीछे पड़ गया तो मैं पंडित नहीं, मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, वो सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य होना चाहिए, मुझे समाज का भला करना है। और समाज की जो पीड़ा है, जो समाज का दर्द है, जो समाज में कमियां है, जो समाज के अंदर मेरी आवश्यकता है, वो दूर होना चाहिए। आप देखिए, उस ये सब अगर कोई
एक धर्मनिष्ठ पंडित इस तरह से कार्य करना शुरू कर देगा तो उस समाज की आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो समाज अमेरिका यूरोप सब उसके चरणों में रहेगा। पंडित सम्मेलन में पंडित तथा यजमान आचार संहिता नामक पुस्तक पनि विमोचन भएको छ। पुस्तकमा कर्मकाण्ड गर्ने पण्डितहरू तथा कर्मकाण्ड गराउने यजमानहरूले कस्तो आचार संहिताको पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न विद्वानहरूद्वारा उल्लेख भएको छ। साथै हिन्दू धर्ममा नारीको अवस्थाका सम्बन्धमा पनि लेखहरू समावेश भएका छन्। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा समाजमा गौमाताको महत्त्वका विषयमा पनि विद्वानहरूले आफ्नो मन्तव्य दिनुभएको थियो। गाईको ठाउँमा आज मलाई एउटा दुःख लाग्छ, हामी पण्डितजीले नै गर्दा गाईको ठाउँमा पैसा दान गर्न थाल्यौँ अनि गाईको अवस्था लोप भयो, गाई आज नपुग्नुको अवस्थामा थियो। आज हामीले पञ्चकव्यको ठाउँमा आज हामीले तुलसी दिन्छौँ। यदि पञ्चकव्य भएन भने शरीर शुद्ध हुन्न भनेर शास्त्रीय प्रमाण पाइन्छ। पञ्चकव्य बिना कुनै पनि हामीले कार्य सुरु गर्न हामी नमिल्दैन। गाईको घिउ भएन भने कुनै पनि यज्ञ गर्न हामीले मिल्दैन। किन एउटा रिसर्च पनि छ, यदि लोकल गाईको घिउ हामीले हमन गऱ्यौँ भने मात्र प्रोटिन अक्साइड, इथिलिन अक्साइड अनि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास प्राप्त हुन्छ भनेर यो अहिलेको रिसर्च हो। पहिले गीतामा यज्ञ अन्न भवती भूतानि पर्जन्य दण्ड सम्भव यज्ञ भवती पर्जन्य यज्ञ कर्म सम्भव भनेर पहिले हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख छ। अर्थात् अन्न भयो भने मात्र प्राणी हुन्छन्। अन्तिममा के भनेको छ, वर्षा कहिले हुन्छ भन्दा जब यज्ञ गरिन्छ। अहिले न्यु रिसर्च पनि छ वैज्ञानिकले गरेको, प्रोपिलिन अक्साइड निस्किन्छ यज्ञ गर्दा, यो चाहिँ वर्षाको सहायक ग्यास हो, सहायक वर्षा कहिले मद्दत पुर्याउँछ भनेर एउटा नयाँ रिसर्च छ। आज हामीले बजारमा त्यो पाम ओइल द्वारा बनेको घिउ ल्याएर हामीले हवन गरिरहेका छौँ, आज पैसा दान गर्छौँ। मैले अस्ति एउटा कुरा भनेको थिएँ, गाईको ठाउँमा यदि पैसा दान गर्न मिल्छ भने अब पण्डितजीहरूले एउटा कुरा कन्यादानको ठाउँमा नि पैसा दान गर्न सुरु गर्नुपर्छ। गाईको ठाउँमा पैसा दान गरेर हुन्छ भने म त्यो धर्मसभामा पनि यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले गाईलाई बचाएन भने गाईलाई कसले बचाउने? आज सरकारमा कहिले कुन सरकार आउँछ, कहिले कुन सरकार आउँछ, सरकारहरूले गाईको अधिकार खोसेर राष्ट्रिय प्राणीबाट हटाउन खोज्छ। हिजो अस्ति मात्र एउटा रिट परेको छ सर्वोच्चमा, गाई कसैको भगवान भने कसैको चकुवा पनि हो भनेर। हामी सबले मिलेर एउटा कुरा, हरेक जनतालाई नेतालाई पनि थाहा हुनुपर्छ, वास्तवमा हामी सनातनवादी हो। यदि 81% हिन्दू जाग्यो भने यहाँ जसले हिन्दूमा द्वेष गर्छ त्यसको खैरियत छैन भनेर। हामी यस्तो
प्रकारको सम्मेलनले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा हाम्रा प्रज्वलित नगरी नहुने संस्कार तथा संस्कृति जुन अत्यन्तै विज्ञानसम्मत तथा आवश्यक रहेका छन् त्यसको संरक्षण सम्वर्धन तथा महत्त्वमा विशेष प्रभाव पार्ने भएकोले यस्तो प्रकारको सभा सम्मेलन आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो।